अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन चैप्टर नंबर 2 के साथ। और इस लेक्चर में हमने डिपेक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन को डिस्कस करना है कि किस तरह आप लोगों ने एक रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर आप लोगों ने रिप्रेजेंट करवाना है, उसको शो करवाना है। अगर इसको देखा जाए तो ये आप लोगों के पास एक नंबर लाइन है जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस पे हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ओ ले लिया जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया जीरो। जीरो आप लोगों के पास एक रियल नंबर है। जीरो के राइट पर आप लोगों के पास जितने भी नंबर होंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे आप लोगों के पास पॉजिटिव होंगे, और जीरो के लेफ्ट पर आप लोगों के पास जितने नंबर होंगे ये सारे के सारे आप लोगों के पास नेगेटिव नंबर होंगे। अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर जीरो के राइट पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो वन आगे नंबर तो मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पर लिमिटेड नंबर लिखवा दिए, 5 तक लिखवा दिए। एंड सिमिलरली हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी इसी तरह यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 तक लिखवा दिए। आगे भी आप लोग लिखवा सकते हो। अब ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास जीरो से लेकर वन तक, या वन से लेकर टू तक, या टू से लेकर थ्री तक, या थ्री से लेकर फोर तक, ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दे, इस पॉइंट को इसको पॉइंट सी कहे, इसको पॉइंट डी, इसको पॉइंट ई नाम दे दिया। जनरली सिर्फ इसको हमने नाम दे दिए, ऐसे कोई इशू नहीं है। आप लोग कुछ भी अगर यहाँ पर सिर्फ आप लोग कुछ ना लिखो, और सिर्फ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट को, इस वन को मैंने सिर्फ एक नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों के पास इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासिला होगा वन तक या ए तक, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस आप लोगों के पास होगा, ये वाला ओ से लेकर ए तक, इसको हम कहेंगे वन यूनिट ऑफ लेंथ। मैथमेटिक्स की जबान में इसको कहा जाएगा कि आपके पास ये वन यूनिट ऑफ लेंथ है। अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड पर यहां देखते हो तो ये भी आपके पास वन यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो से लेकर -1 तक। अब मैं यहां पर एक फर्जी पॉइंट लेता हूं, और फर्जी पॉइंट को मैंने यहां पर नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको कहा मैंने पी नाम दे दिया, और इधर मैंने एक और फर्जी पॉइंट दे दिया -1, इसको मैंने कहा पी डैश। अब अगर आप लोग यहां पर देखो, ऑब्जर्व करो, तो आप लोग के पास जो ये पॉइंट ए है, ये इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन नंबर लाइन जो आपके पास यहां पर होगी उधर ये रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि आपके पास जो आपने यहाँ पर पॉइंट ए लिखवा दिया और ये 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को भी कर रहा है, 3 को भी, नो ऐसे नहीं होगा। ये पॉइंट ए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा ओनली वन पॉइंट के लिए, और ये पॉइंट यहाँ पर जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 के बाद 6, तो यहाँ पर जो पॉइंट 6 है तो ए का रिस्पॉन्ड करेगा 6 को, और इधर ए का रिस्पॉन्ड करेगा -6 को करेगा। अब यहां पर आप लोगों के पास ये जो लाइन है, ये वाली, ये पूरी लाइन, इसको हम कोऑर्डिनेट लाइन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज भी आप लोगों के पास है कि जो पॉइंट पी, ये एसोसिएट कर रहा है इधर ए के साथ, और इधर ये एसोसिएट कर रहा है -A के साथ, तो जो ए होगा ये आपको ये कहलाएगा आप लोगों के पास ये वाला कोऑर्डिनेट आप पी, और ये पॉइंट जो आपके पास होगा ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट आप पी डैश। तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे और ये आपके पास पी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे। ये जो लाइन आपके पास होगी इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट लाइन, कोऑर्डिनेट लाइन, या हम इसको कहते हैं द रियल
नंबर्स लाइन, या मैं इसको क्या कह सकते, इसको या आप लोग इसको कोऑर्डिनेट लाइन को, या आप लोग इसको डरिए नंबर लाइन को, आप लोगों की मिलती है, लेकिन सिर्फ नाम हमने यहाँ पर डिफरेंट दे दिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, तो इधर भी आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश है, तो ये जो ए था और ये माइनस ए था, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर था और ये आप लोगों के पास नेगेटिव डायरेक्शन पर था। तो रियल नंबर को सिर्फ आप लोगों को मैंने डिफाइन करना था कि जो आपके पास जो रियल नंबर के लिए आप लोग जो नंबर लाइन लगाओगे उस पे आप लोग डिफरेंट पॉइंटों को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। अगर आपके पास 0.5 आता है तो 0.5 यहाँ पर रिलाई करता है आप लोग के पास 0 और 1 के दरमियान, तो वो इसके बीच आएगा। अगर हम कहते हैं कि 1.5 तो 1.5 1 और 2 के दरमियान होगा। अगर हम कहते हैं 2.5 तो 2.5 2 और 3 के दरमियान होगा। अब जो अगला स्टेप है हमारे पास, इस अगले स्टेप में हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन पर, वो भी आप लोग के पास रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना होगा कि वो हम किस तरह एक रियल नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेता हूँ जिस तरह ऊपर बनाया हुआ और एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, ये ओरिजिन है आप लोगों के पास। इधर 0 लिखवा दिया, इधर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये जो 0 से लेकर 1 तक, या 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, ये जो डिस्टेंस आप लोगों के पास है ये सारे इक्वल फासले पर होंगे। ये तो यहाँ पर मैं फर्जी लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब ड्रा करना होगा तो आप लोगों ने इसको एक्चुअल हर एक पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आप लोगों ने इक्वल रखना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि -2/5 को नंबर लाइन पर शो करवाओ। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ऊपर तो 2 है, नीचे 5 है, इट मीन दैट आपके पास जो टोटल हिस्से है वो आपके पास 5 है, और ये जो आपके पास है ये एक नंबर लाइन है जिसको हमने एल से लिखा हुआ है। अब हमें इस नंबर लाइन पर जो आप लोगों के पास जो यूनिट लेंथ है, कौन सी यूनिट लेंथ, 0 से लेकर 1 तक और 0 से लेकर -1 तक, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास जो नंबर है वो तो माइनस नेगेटिव में है, तो हमने इस 0 और -1 को डिवाइड करना होगा इक्वल 5 हिस्सों में। ये बन जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिखता हूँ ये हो जाएगा 1/5, लेकिन ये 0 के लेफ्ट पर तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -2/5, इधर आ जाएगा -3/5, इधर आ जाएगा -4/5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आप लोगों के पास, देखिए यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर -1/5 तक, -1/5 से लेकर -2/5 तक, फिर -3/5 तक और फिर -4/5 तक, तो ये आप लोगों के पास टोटल 5 बराबर हिस्से हो गए। तो अब आपके पास -2/5 है, तो यहां पर ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला, ये इस -2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मैं यहाँ पर नाम लिखवा देता हूँ, लेट सपोज जनरली मैंने एम का, तो पॉइंट एम यहाँ पर जो आपको शो करवा रहा है वो -2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसी तरह एक और नंबर है हमारे पास और वो है 15/7। अब यहाँ पर आपके पास ये एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, ऊपर नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इस 15 को डिवाइड कर लेते हैं 7 पे, ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बन जाएगा 14, 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2 होल 1/7, और इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं 2+1/7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 14+1 15 डिवाइड बाई 7, और
और अगर इस कैल्शियम लोगे तो इससे भी आप लोगों के पास 15 डिवाइड बाई 7 ही आएगा। अब ये तो 2 हो गया आपके पास, लेकिन ये आपके पास 1/7 है, इट मीन दैट ये जो नंबर होगा आपके पास, ये 2/7 जो आपके पास यहाँ पर है, 2/7 आप लोगों के पास अगर देखो तो ये जो नंबर होगा ये वाला 15/7, ये 2 और 3 के बीच में होगा। This is lie between 2 and 3, क्योंकि ये तो आपके पास 2 है, तो 2+ तो आप लोग जब 1 को डिवाइड करोगे 7 पर, सिंपल वर्ड में आप लोगों को यहाँ पर 7 1 7 3 आ जाएगा, 7 multiply by 4 28 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 7 multiply by 2 14 आ जाएगा, 6। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये जो नंबर है आपके पास, ये आपके पास रिजल्ट दे रहा है 2+0.14, इट मीन दे 2.14, तो ये पॉइंट आप लोग के पास कहीं इधर होगा। एक्चुअली आप लोग जब स्केल होगा आप लोग के पास स्केल से, आप लोग इसको आसानी के साथ ड्रा कर सकोगे फिर। तो ये था आप लोग के पास कि किस तरह हमने एक नंबर्स को एक रियल लाइन पर शो करवाना है। तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर को देखना होगा, नंबर को देखना होगा, नंबर आपके पास किस फॉर्म में है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो उस चीज को भी आप लोगों ने देखना होता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास कि 0. इस नंबर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग इस सवाल को देखो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आप लोगों के पास 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इस नंबर को हम सपोज करवा लेते हैं एनी वेरिएबल के, इसको मैंने x के सपोज कर दिया, 0.3 बार लगा दिया। इसको फिर हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं 3 3 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली आप लोगों के पास ये चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो ये बन जाएगा 10x, और ये जो नंबर होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। अगर यहाँ पर दो डिजिट होते तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। आगे सवाल इस पर इंशाल्लाह आएंगे, वो करेंगे इस पर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3.333 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चल रहा है। एक आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 1 और एक आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसको हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे आसान तरीके हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर लेते हैं, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन, और इस तरह इधर x आ जाएगा तो 0.333 एंड सो ऑन। साइन चेंज हो जाए क्योंकि हमने इसको माइनस करना है, जब 10x से 1x जाएगा तो इधर आ जाएगा 9x। अब यहाँ पर 3 से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 - 3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ ओनली रह जाएगा 9x = 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है। तो दोनों साइड को डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, ये बन जाएगा 9 / 9 and 3 / 9, 9 9 कैंसिल हो गया, and 3 1s are 3 and 3 3s are 9, 1/3। so thus जो 0.3 था बार, उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो 1/3 थी। अब अगर आप लोग इस 1 को डिवाइड करो 3 पे दोबारा,
तो आप लोग के पास 0.333 एंड सो वापस यही नंबर आएगा। ये आप लोग के पास एक डिसिमल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये आप लोग के पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग है। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके पास अगर कोई हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्योर टू प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर ये आप लोग के पास इरेशनल नंबर होता तो इरेशनल नंबर को हम कभी भी प्योर क्यू फॉर्म में नहीं लिखवा सकते। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफेक्शन और किसी नंबर को रियल लाइन पर शो करवाना और किसी डिसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना एक प्रॉपर फ्रैक्शन में सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट सवालों के साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।